हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स एंड एग्ज़ाम टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। एज अ स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश रहती है वो अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे परसेंटेज लाए। बट कुछ स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, पर बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेथड ऑफ स्टडी वे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है। इतनी मेहनत करने, दिन रात पढ़ने के बावजूद कभी कभी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं खुद के एक्सपीरियंस से कुछ स्टडी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर वन टिप है, सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। ज़्यादातर स्टूडेंट किसी भी टाइम पर पढ़ाई करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम अपने डेली रूटीन लाइफ में लंच या डिनर करते हैं, वैसे ही हमें अपने स्टडी के लिए भी टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। एक हैबिट बन जाने से पढ़ने के लिए मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। एक बार ये क्लॉक सेट हो जाएगा, आपकी डेली रूटीन बन जाएगी, फिर आपका स्टडी पर एफर्ट्स भी कम हो जाएगा। अभी सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं यह प्रेफर करूँगी कि उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर ले। जिस टाइम आपकी एग्ज़ाम है उस टाइम पर आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम के टाइम का शेड्यूल बनाकर अभी से फॉलो करें। किस टाइम उठना है, किस टाइम पर ब्रेकफास्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, बोर्ड की एग्ज़ाम्स 9 to 12 की है, सुबह 4 बजे उठकर रिवाइज करके 7 बजे ब्रेकफास्ट करके एग्ज़ाम के लिए पहुँचना रहता है। अगर आज से ही वो मैं अपनी डेली रूटीन बना लूँ तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मेरा क्लॉक, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाएगा। इससे एग्ज़ाम के टाइम 4 बजे उठकर रिवाइज करना, 7 o'clock ब्रेकफास्ट करके एग्ज़ाम के लिए निकलना मेरे लिए इजी हो जाएगा। सेकेंड टिप है, स्टडी एज पर सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ते हैं, मैथ्स को भी हम याद करते हैं। याद कीजिए, आपका हर एक टीचर आपको एक ही स्टाइल में पढ़ाता है। हर टीचर अपने सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल में पढ़ाते हैं, वैसे ही हमको भी हर सब्जेक्ट को उसी वे में पढ़ना चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, उसके थ्योरम्स फॉर्मूलोज पर फोकस करें। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उसके अंदर का पार्ट इजली एक्सप्लेन कर पाओगे। ऐसे ही केमिस्ट्री की बात करें तो आपका फोकस केमिकल रिएक्शन पर होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे रिएक्शन पे कोई मिस्टेक ना हो, जिससे आप फास्टली और बहुत ही एक्यूरेसी से पेपर सॉल्व कर पाएँ। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप बायोलॉजिकल पढ़ रहे हो तो आप डायग्राम्स पर फोकस करो, ताकि लिविंग ऑब्जेक्ट के नॉलेज की डिटेल आपके माइंड में फिट हो जाए। मैथ्स और अकाउंट की बात करें तो उसमें कुछ याद मत करो, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। जनरली स्टूडेंट्स फॉर्मूलेस को रटते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। इंग्लिश में फॉर्मेट्स पर ध्यान दो, लेटर, एसे, नोटिस या जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसके फॉर्मूले, उसके फॉर्मेट या उसके फॉर्मेट पर ध्यान दो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेट अच्छा रहेगा। थर्ड टिप है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। जब भी हम स्टडी करने बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको 2 बार पढ़ा जाए, 3 बार पढ़ा जाए, फिर भी याद नहीं रहते हैं। हमें हमारा उसमें पूरा डे, फुल डे वेस्ट हो जाता है। फिर भी ऐसा फील होता है कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। पर दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन भी है। जो भी क्वेश्चन हमको डिफ़िकल्ट लगे, उस क्वेश्चन के सामने AR लिख कर उसको छोड़ दें, लर्न नहीं करें, मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को लर्न करें, ऐसे पूरा चैप्टर लर्न करें। अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उसके सामने AR लिख लें। जब आपकी रीडिंग पूरी फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो जो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, जिसके सामने आपने AR लिखा हुआ है, उसको आप किसी भी गैजेट, मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप में रिकॉर्ड कर लें, और उस रिकॉर्डिंग को आप 2 or 3 times आप उसको कंटिन्यू सुनें। एंड फ्रेंड्स, यू आर सरप्राइज्ड, यदि आप उसी क्वेश्चन को 10 बार पढ़ोगे तो भी आपको याद नहीं रहता है। वही क्वेश्चन अगर आप उसको 2 or 3 times अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुनोगे तो आपको याद, वो एग्ज़ाम तक एज इट इज़ आपको याद रहेगा।
एंड द फोर्थ टिप इज़ डेली मेडिटेशन। एज अ स्टूडेंट आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए, इससे हमारा विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बढ़ता है। ये एक टूल है, मेडिटेशन हमारे मन को शांत करता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट एग्ज़ाम में दिखेगा। फिफ्थ टिप है पेपर राइटिंग प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ओनली पढ़ते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं, मैथ्स को भी वो रीड करते रहते हैं और बोलते हैं मुझे याद है। बट फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है जो हम पढ़े वही एग्ज़ाम टाइम में भी याद रहें। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम अपनी मेमोरी को पूरी यूज़ करना चाहते हैं तो पेपर राइटिंग मस्ट है। सपोज़ आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 5 साल के पेपर्स को प्रैक्टिस को पेपर प्रैक्टिस सॉल्व करना चाहिए। इससे आपके दो बेनिफिट्स होंगे। पहला, आपको यह पता चलेगा कि आप 3 आवर्स के अंदर पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, आप अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड क्या होगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पैटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे आपकी मेहनत 30-40% कम हो जाएगी। इससे आपका सिलेबस भी कम हो जाएगा, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, फिर आप अपना रिजल्ट 80-90% ईजिली ला सकते हैं। सिक्स्थ टिप है अवॉइड मोबाइल, टीवी एंड गेम्स। आजकल के स्टूडेंट्स अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, टीवी में बिताते हैं। ये एग्ज़ाम्स आपके पूरे साल भर की मेहनत का मेज़रमेंट है जो आपकी मार्कशीट में शो होगा। मैं ये आपको प्रेफर करूँगी, ओनली 1 मंथ प्लीज़ आप मोबाइल टीवी गेम्स को अवॉइड करें। बच्चे ब्रेक लेने के बहाने टीवी या लैपटॉप का यूज़ करते हैं, इससे उनको पता भी नहीं चलता उन्होंने कितना टाइम अपना वेस्ट कर लिया। मैं ये स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट करूँगी जब तक आपकी अपनी एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाती, ओनली 1 मंथ इसको अवॉइड करें। मैंने ये नोटिस किया है कि जब स्टूडेंट अपनी स्टडी टेबल पढ़ते हैं तो उनके पास मोबाइल या कंप्यूटर रहता है जिससे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं यह प्रेफर करूँगी आप उसकी जगह आप एक रोल मॉडल रख लें जो आप जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती रहे, या फिर आपका जो ड्रीम है, टारगेट है, वो आप वहाँ पे चिपका दें। सपोज़ आई वांट टू 90% इन माय बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो आप वहाँ पे लिख के चिपका दीजिए। इससे आपको इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और आप मोटिवेट होते रहेंगे। सेकेंड एंड सेवन टिप है डेली रिवीजन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो लेसन को लर्न तो करते हैं पर एग्ज़ाम आने तक रिवाइज नहीं करते हैं। एग्ज़ाम के दिन देखते हैं तो ये याद नहीं रहता है कि मैंने उसे लर्न तो किया है, टेंशन में रहते हैं कि मुझे याद क्यों नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार एक पर्सन को भूलने की प्रोबेबिलिटी 24 आवर्स के अंदर होती है, इसलिए जो हम याद करते हैं उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने एक लेसन को आज लर्न किया तो उससे उसको एक बार सोने से पहले लर्न करना चाहिए। एंड नेक्स्ट डे जब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसे एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमको हमारा वो टॉपिक हमको बहुत अच्छे से लर्न होगा और एग्ज़ाम टाइम तक अच्छे से बाय हार्ट एज इट इज़ याद रहेगा। हमारी 8th टिप है हेल्थ इज वेल्थ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और टेंशन में खो जाते हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल ही नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, अपनी कंसंट्रेशन पावर का ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। फ्रेंड्स, हेल्थ के लिए 3 पैरामीटर्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट है स्लिप। आपके एग्ज़ाम टाइम में डेली बेसिस पर 6-8 आवर्स स्लिप कंपलसरी है। एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम 7-8 आवर्स स्लिप नहीं करते हैं तो हमारी मेमोरी 25% पर डे लॉस होती रहती है। अगर आप पूरी रात भर जग कर याद करते हैं, दूसरे दिन आपकी उस इंफॉर्मेशन का 25% लॉस हो जाएगा, वो आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा। सो मेहनत करें
और भूल जाएं, इससे अच्छा है कि हम थोड़ा आराम कर लें। एग्ज़ाम के टाइम 6 to 7 hours सोना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पैरामीटर है अबाउट योर फूड एंड अबाउट योर डाइट। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से ही हमको जंक फूड को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। ऐसे फूड जिसमें शुगर हो, मैदा हो, ऑयली फूड हो, उसको अवॉइड करें। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, जूस लें, नेचुरल चीज़ों का अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। घर का खाना खाएं, बाहर का नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में बीमार पड़ जाते हैं, साल भर की मेहनत करने के बावजूद उनके परसेंटेज लो हो जाते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, घर का न्यूट्रिशियल वाला खाना खाएं, बाहर का नहीं। थर्ड पैरामीटर है टेक फिजिकल एक्टिविटी। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में कंटिन्यू रीडिंग करते हैं, एक ही जगह पढ़ते रहते हैं, फिर रेस्ट लेकर टीवी पर बैठ जाते हैं। इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, उसका सीधा साइड इफेक्ट उनकी पेपर राइटिंग पर उनकी स्पीड पर होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगी कि आप अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 to 40 minutes डेली करें। सो फ्रेंड्स, आने वाली एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे परसेंटेज लें। बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आपने मेरी वीडियो पूरी इंजॉय की होगी। मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शायद मेरी एक टिप से किसी स्टूडेंट की लाइफ चेंज हो सकती है।